गाइस अभी मैं आई हूँ देखो सिनेमा हॉल पे, ये देखो ऊपर दिखा रहा है सिनेमा हॉल, देखो अभी मैं जा रही हूँ। सो बंगाली जो फिल्म है ना, जो काका बाबू, वो मतलब फिल्म देखने जा रही हूँ। अभी हम देखो चाउमीन ले रहे हैं यहाँ से, ये मेरा हस्बैंड अभी चाउमीन ले रहा है यहाँ से, तो अभी हम लोग चाउमीन ले के जाएंगे और चाउमीन खाते खाते सिनेमा देखेंगे। सो अभी जो है मैंने लिपस्टिक ले लिया, ये देखो मेरा हाथ में, मैंने चेक भी किया था। सो वो दीदी आया था मुझे लिपस्टिक देने के लिए, सो मैंने चेक भी किया है। हाँ नहीं नीचे, तो अभी मुझे बताया गया कि पानी का बोतल लेने के लिए, देखो कहाँ पर लेना है, ये देखो टिकट, अरे बेल भी बज गया सिनेमा हॉल का। सो देखते हैं, জলের বোতল হবে 10 টাকা তো একটা দিন উনকা পয়সা এই যে দাদা তো ডাক্তার এসে আছে তো আমি মে ফোন हॉल पे अभी सबको ही आ रहा है, मतलब शो चल रहा था वो खत्म हुआ है, अभी हम जाएंगे अंदर। ये रहा मेरा टिकट, देखो भीड़ देखो सिनेमा हॉल पे, चाउमीन अभी नहीं बना गाइस, हम मिस हो जाएगा मेरा पिक्चर भी नहीं। এখানে ভিড় হয় তো ভিড়ে তুমি উঠতে পারবে না, টাইম লাগবে। হোক না ভাগ, অসুবিধা কি আছে, ভিড় হয়ে গেলে উঠতে পারবে। দেখো গাইস কত ভিড় হয়, अभी ये मुझे बोल रहा है कि चाउमीन नहीं हुआ, तुम जाओ जाके अभी बैठ जाओ, तो हम अकेले नहीं जाना चाहते, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो मतलब सिनेमा हॉल का जो माहौल रहता है एकदम अंधकार, वो मुझे बहुत डर लगता है। मैं चाउमीन अभी तक नहीं बना, हम रो देंगे अब। मुझे अभी बाकी पिक्चर का ट्रेलर नहीं देखना है, वो मिस हो जाएगा मुझे लगता है, पता नहीं। हो गया अभी पैक हो रहा है हमारा चाउमीन, देखो ये बक्सा में अभी पैक हो रहा है, अभी डालो इसे डाल रहा है अभी। सो भीड़ देखो गाइस, सिनेमा हॉल का भीड़ देखो यहाँ का। सो ये लोकल सिनेमा हॉल हम लोगों का यहाँ पे, अभी मैं निकल गई हूँ सिनेमा हॉल से। सो अभी जो है मैं देख के निकली हूँ काका बाबू। सो काका बाबू में क्या है, मैंने एक वर्ड सीखा है, तो वर्ड का नाम है लाला सलाम। सो लाला सलाम का मतलब है अफ्रीकन लैंग्वेज पे जिसे बोलता है गुड नाइट, ठीक है। तो मेरे सभी सब्सक्राइबर को लाला सलाम, ठीक है। अभी मैं पिक्चर देख के निकली हूँ, सो बंगाली जो मूवी है ना काका बाबू, वो देख के निकली हूँ। सो अभी मार्केट एरिया से जा रही हूँ यहाँ से, पर क्या बताऊँ, मतलब बंगाली फिल्म में जो है बेसिकली जो है
अफ्रीकन जो मसाई जो लोग होते हैं वो मतलब क्यों आदमी लोग को मारता है, इसके ऊपर है फिल्म। तो बाद में देखा गया है कि हाँ वो लोग नहीं मारते एनिमल्स को, नहीं मारते हैं किसी गेस्ट को भी नहीं मारते हैं, सिर्फ अपना प्रोटेक्शन के लिए जो है वो शिकार करते हैं। और यही था मेन जिस्ट, पर बंगाली फिल्म था, इतना इंग्लिश जो है इतना इंग्लिश यूज़ किया गया है इसमें, क्या ही बताएं। सो हम लोगों को समझने में तो कोई प्रॉब्लम वैसा नहीं हुआ, हम तो समझ पाए हैं, पर जो लोग उतना इंग्लिश जिनको समझ में नहीं आता है उन लोगों का क्या हालत होगा। सो वही मैं सोच रही थी। और हाँ बहुत ही अच्छा गया, और थोड़ा सा कम समय का फिल्म था। और हाँ हॉल ज़्यादा हमने चाउमीन खा रहे थे, उसके बाद हम चिप्स खाए, उसके बाद हम फिर जो है पापड़ खाए, उसके बाद पानी का बिस्लरी का छोटा सा बोतल लेके गए थे वो खाए हम। उसके बाद मैंने देखा कि जल्दी भाई खाना ख़त्म हो गया, फिर हम बोले कि हम अभी चुम्मा खाएंगे। सो हाँ मैंने किससे किया एक बार ही। हाँ सो और क्या बताएं, सो कपल भी था हम लोगों के पास में, तो वो भी कुछ कर रहा था जो देख के मेरा भी कॉलेज लाइफ याद आ गया। सो हाँ मैं भी दूध का धुला नहीं थी। सो मतलब मेरा भी कॉलेज टाइम याद आ गया। तो अभी तो हम लोगों का टाइम चला गया है। तो हाँ बहुत अच्छा गया मेरा आज का दिन, फिर कल का दिन भी अच्छा जाएगा क्योंकि कल जो है मैं शादी में जाऊँगी घूमने। तो सबसे ज़्यादा जो मज़ा है शादी में जाने में कि मैं सज पाऊँगी। हाँ मुझे सजने का बहुत शौक है, मुझे खाना नहीं देखे रखेंगे तो भी ठीक है, पर मुझे जो मतलब सजना संवरने का जो मेकअप किट से वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो यही है आज का दिन। सो सभी सब्सक्राइबर को लाला सलाम मेरी तरफ से। मतलब गुड नाइट। सो अफ्रीकन वर्ड ये जो मैंने अभी सीखा है मूवी देख के, ठीक है। चलो बाय गाइस, वंस अगेन लाला सलाम। देखो ये मेरा कॉलेज है। मैं तो दिन में नहीं आई पर अभी जा रही हूँ कॉलेज एरिया से। ये देखो ये जो पीछे है लाइट जल रहा है, देखो ये हाँ ये मेरा कॉलेज है। मतलब हम दोनों का ही कॉलेज है, मेरा भी कॉलेज है, मेरा पति देव का भी कॉलेज है। सो हाँ हम एक साथ ही एक ही कॉलेज में पढ़े। और ये देखो ये एरिया है ना कॉलेज का, ये ज़्यादातर मतलब सुनसान रहता था, वहाँ पे झील है। सो झील के आसपास जब हम ना हम कॉलेज कोचिंग मतलब कोचिंग जो है कोचिंग बांध करके वहाँ ये यहाँ के आसपास से हम घूमते थे। और चाहे वो सर्दी हो, सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, सो हम यहाँ पे आते थे और हाथ पकड़ के ऐसे मतलब तब तो हमारे पास साइकिल था, स्कूटी भी नहीं था, तो साइकिल में बैठ के हम जाते थे घूमते थे। अभी देखो इसको ठंड लग रहा है, तब उस समय पे ठंड भी नहीं लगता था। अभी बोल रहे कि कितना ठंड है कितना ठंड है, देखो उस समय पे हम लोगों को सर्दी भी नहीं लगता था, गर्मी भी नहीं लगता था। ये देखो ये डेकोरेशन देखो, ये मैरिज हॉल का डेकोरेशन है, पीछे देखो कितना सुंदर सजाया गया है। सो तब जो था तब हम लोगों का मतलब क्या, गर्मी में हम लोग छाता लेके दोपहर के 12 बजे घूमते थे ऐसे हाथ पकड़ के, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ। मतलब सुबह एक टाइम निकलते थे घूमने के लिए और शाम के एक टाइम पे, जब हम स्कूल डेज में पढ़ते थे, कॉलेज डेज में पढ़ते थे, कॉलेज में जब पढ़ते थे तब ऐसा होता था। अभी तो ऐसा कुछ नहीं होता है, अभी हम वीकेंड पे भी मतलब कोई कहीं पे जा नहीं पाते हैं, टाइम नहीं मिलता है। पर अचानक से आज सर्टेन प्लान हो गया जाने के लिए। कल मैं आई थी यहाँ पे फुचका वाला के पास, सिर्फ फुचका खा के चली गई। बहुत ठंड है बाप रे बाप। हाँ ये बोल रहा है कि कौन बोला है ठंड चला गया है, ऐसा बोल रहा है। तो ये देखो गाइस ये जो पीछे है ना दुकान, ये बिरयानी का दुकान है, हम यहाँ पे आके खाते हैं यहाँ पे। मतलब अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट भी यहाँ पे फेल हो जाता है, ऐसा सुंदर मतलब जो है बिरयानी बिकता है। हम यहाँ पे मटन बिरयानी पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ का जो मटन बिरयानी है ना, मटन तो इतना सॉफ्ट है कि क्या ही बताए, मतलब मुंह में देने से ही मटन गल जाता है ऐसा होता है।
अभी हमको फिर से डर लग रहा है, हमारा टोपी नहीं है जो है ना, वो हम बोलते हैं डब्बा नहीं है हम दोनों के पास। यहाँ पे मुझे रोड क्रॉस करना होगा। चलो भागो भागो, पुलिस ना आ जाए, भागो भागो। चलो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, नहीं है ठंड में पुलिस चला गया है घर। বলছিল আগের দিন ও সোজা কাটিয়ে বেরিয়ে যাবে। হর তরফ মে भी जाऊंगी तो भी एक घंटा दूर है। कल यहाँ पे जा रही हूँ मैं, और मैं क्या पहनूंगी पता है, मैं पहनूंगी बनारसी साड़ी जो है ना, मेरा शादी का हाँ हाँ इधर तो बनारसी साड़ी मैं पहनूंगी कल, लाल बनारसी साड़ी, और आज मैंने लाल टमाटर कलर का लिपस्टिक लिया है। सो मैं उसको मतलब दीदी को बोल रही थी कि मुझे लिपस्टिक चाहिए, मुझे रेड कलर का दो, और वो मुझे पिंक कलर का दे रहा था, पिंक जो है पिंक कलर का दे रहा था। सो जब उसे समझाने के लिए मैंने बोला कि मुझे टमाटर कलर का लिपस्टिक चाहिए, तो अब जाके मुझे दिया रेड कलर का लिपस्टिक। अभी देखो थोड़ा सूट भी गया है, लिपस्टिक उठ क्यों गया है पता नहीं, क्योंकि माई ग्लैम का लिपस्टिक तो नहीं उठता है। देखो देख पा रहे हो झील को, मतलब पूजा के टाइम पे बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता है, अभी भी सजाया गया है। देखो अभी गाना चल रहा है, मुझे ऑफ करना होगा वीडियो को, नहीं तो क्लेम आ जाएगा।